लास्ट चेक करो गाइस, नीचे से चढ़ के आ रहे हैं और हमारी हालत हो गई है खराब। अब हम यहाँ रुकेंगे नहीं, यहाँ से सीधा हम धारी देवी के लिए निकलते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है और सांस फूल चुकी है हमारी सीढ़ी चढ़ चढ़ के। तो अभी हमें कोई रास्ते में ढाबा वगैरह मिलेगा तो वहाँ पे खाना खुना खा लेंगे, कुछ कुछ नहीं मिलता है तो सीधा हम धारी देवी जाएंगे मंदिर तक। थाली वगैरह आ गई है तो गाइस मात्र 80 रुपए की थाली है। तो कैसे बंटवारा कर रहे हैं दो ऐसा लगा है सब तो है कि नहीं भाई, ये चेक करो। चलते आपको सीधा खाना खाने के बाद अपनी गाड़ियों के साथ। 1 hour later ये है मंदिर, आपने देख लिया होगा यहाँ से। अब एक छोटा सा ट्रैक है उसे हम खत्म करते हैं, मुश्किल से एक किलोमीटर के अंदर का होगा ट्रैक वो, और यहाँ से प्रसाद वगैरह लेते हैं फिर फटाफट निकलेंगे यार यहाँ से, क्योंकि लेट बहुत हो गया, मौसम भी खतरनाक हो गया। और हाँ, यहाँ से केदारनाथ बस 80 किलोमीटर है, बस 80 किलोमीटर केदारनाथ है बस, पर क्या करें अभी बुलावा नहीं आया ना, जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। तो लेते हैं प्रसाद फिर मिलते हैं आपको सीधा। गाइस ये आ गया है मंदिर का एंट्रेंस, यहाँ से हम करेंगे मंदिर के अंदर एंटर। और प्रसाद ले लिया है मैंने, ये चेक करो, बोलो जय माता की। तो गाइस कहीं में हमारा तो पहली बार है धारी देवी मंदिर देखना, बहुत टाइम से सोच रखा था कि मंदिर आएंगे हम, चेक करो। कितना वीडियो वगैरह में देखते हैं ना, इतना बड़ा लगता नहीं है, वीडियो में देखा था पर इतना बड़ा कभी देखा, इतना बड़ा सोचा भी नहीं कितना बड़ा होगा, पर रियलिटी में बहुत बड़ा मंदिर है। राहुल तीसरी बार आ रहे हैं, है राहुल तीसरी बार? हाँ जी हाँ जी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी जय माँ धारी देवी के द्वार पे, और ये एंट्री पॉइंट है यहाँ से। गाइस चेक कर सकते हैं पूरा, माता के दर्शन करेंगे फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है? पहले हम करेंगे दर्शन उसके बाद आपसे मिलेंगे फिर बताते हैं। हम पहुंच चुके हैं धारी देवी, हमने दर्शन वगैरह कर लिए हैं आराम से, प्रसाद भी चढ़ा दिया हमने, और भाई इतना अच्छा लग रहा है अंदर दर्शन करने के बाद। हमने वीडियो वगैरह बनाई नहीं है क्योंकि अंदर सख्त लिखा है कि भाई वीडियो बनाना सख्त बनाए, तो यहाँ पे आने के बाद ना बहुत अच्छा फील हो रहा है, और इतना मस्त मौसम हो रहा है ना, वेदर भी चेक करो आप, पूरा बारिश वाला वेदर हो रहा है, और भजन चल रहे, इतने वाइब्स, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है ना। अब इसके बाद हम निकलेंगे सीधा घर की ओर, क्योंकि हमें बहुत लंबा रास्ता कवर करना है, कम से कम 150+ करना है, और अभी थोड़े बहुत सिनेमैटिक बनाए हैं, रील वगैरह बनाई है। भाई साहब वेदर देखो ना ऊपर, कैसा लगा आपको 360 व्यू यहाँ का, और इधर
शुभम भाई ने लगा दिया है ट्राइपॉड। ओ जा रे वाली वीडियो बनाऊंगा। क्यों नहीं वहां से सनसेट का बना रहे थे सनसेट का। हां और गाइस यहां से फटाफट निकलना है हमें कि बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा यार, अंधेरा हो जाएगा। 10 बजे तक नहीं पहुंचना हमें, टाइम से घर पहुंच जाएंगे। और आज मंगलवार भी है, हनुमान जी के मंदिर भी जाना है। तो इधर चेक करो गाइस, ये बन रहा है हमारा सनसेट, जो कि सन है ही नहीं यहाँ पे इस टाइम पे। और सनसेट व्यू लिया जा रहा है, यहाँ पे सन ही नहीं है। तो गाइस हम ऊपर आए थे धारी देवी टेम्पल से ऊपर आए, और यहाँ पे इतना भयंकर भयानक तूफान आने लग गया। बहुत ही खतरनाक तूफान आया भाई, भाई की बोतलें वातलें सब गिर गई हैं। भाई कितना खतरनाक तूफान था। तो भाई एकदम से जैसे हम ऊपर आए ना, जैसे हम ऊपर पहुंचने लगे वैसे एकदम से तूफान आने लग गया। बहुत ही भयंकर तेज आ रहा है, ये देखो भयंकर। चेक कर सकते हैं, ये देखो इसके कपड़े कैसे उड़ रहे हैं, अभी उड़ने वाला है थोड़ी देर में। ये क्लिप ऐड हो जाएगी इस वीडियो में। तो गाइस अब वीडियो को यार समाप्त करने का टाइम आ गया, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन रही है। कम से कम 15 मिनट पार ही कर गई है, और आप इतनी लंबी वीडियो देखोगे नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि छोटी से छोटी करूंगा इस वीडियो को, शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। भाई के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।